नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, आज तक आपने ईयरफोन से सिर्फ गाने सुने होंगे, कोई मूवी देखी होगी या आपने किसी से बात की होगी, लेकिन ईयरफोन की कुछ खास बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप ईयरफोन से कई सारे काम कर सकते हो एक साथ। अपने ईयरफोन के द्वारा आप बहुत सारे फीचर्स ओपन कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने ईयरफोन को एक बार प्लगअप करेंगे तो आपके कोई से फंक्शन ओपन हो जाएगा जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप ईयरफोन का यूज किस तरह करेंगे अपने मोबाइल में, किस तरह आप एप्लीकेशन को सेटिंग करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं आप किस तरह वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और किस तरह आप उसकी सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में जाकर हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन का नाम आप पढ़ ही चुके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ओपन हुई है, इसे यहाँ से स्किप कर देंगे। ये आपको तीर का निशान दिख रहा है दोस्तों, इसे क्लिक करके इसे आगे कर देंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ऐड मैक्रो। तो दोस्तों, ऐड मैक्रो पे हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गो इट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे एक कनेक्टिविटी का चिन्ह दिखाई दे रहा है, कनेक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों, आपको हेडफोन इंसर्ट रिमूव पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके फोन में ईयरफोन लगने के तुरंत ही कोई एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे और दूसरी बार भी इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक्शन में जाना है। एक्शन में जाने के बाद दोस्तों, आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के पश्चात दोस्तों, आपको लॉन्च एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, लॉन्च एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है सारी ओपन हो चुकी हैं। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके फोन में अगर आप ईयरफोन लगाएं तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाए या फेसबुक ओपन हो जाए या फिर यूट्यूब ओपन हो जाए, तो आप कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से यूट्यूब सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं अपने फोन में ईयरफोन लगाऊंगी तो यहाँ से यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया और यहाँ पे दोनों बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे और दोस्तों इसे यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप एक नाम डाल दीजिएगा, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, और इसे ओके कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। जब आप अपने फोन में ईयरफोन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने फोन से ईयरफोन निकालें तो दूसरी एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए, तो दोस्तों आप उसे उसी तरह सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको फिर कनेक्टिविटी पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको हेडफोन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडफोन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जब आप हेडफोन निकालेंगे तो दूसरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, आपको फिर एक्शन पे जाना है और एक्शन में जाकर दोस्तों एप्लीकेशन पे जाना है, फिर लॉन्च एप्लीकेशन पे जाना है। उसके बाद दोस्तों, अब आप चाहते हैं कि जब आप ईयरफोन निकालें तो आपके मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन हो जाए, तो दोस्तों आप यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ दोनों पे क्लिक कर देंगे, दोनों बॉक्सों पे। उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे राइट का चिन्ह दिख रहा है, आप इसे राइट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे फिर कोई नाम डाल दीजिएगा जो आपको उचित लगता है। अब दोस्तों, ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि जब मैं अपने फोन में ईयरफोन लगाऊंगी तो यहाँ ऑटोमेटिक YouTube ओपन हो जाएगा। आपने जो एप्लीकेशन सिलेक्ट की होगी वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, बैक जाते हैं और यहाँ दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ईयरफोन लगाकर। ये अब दोस्तों, यहाँ पे हम आपको ईयरफोन लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिक YouTube ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिक YouTube ओपन हो गया है। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों अगर मैं इसको निकालती हूँ, ईयरफोन को अपने फोन से निकालते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। अगर आप इसी तरीके से दूसरी सेटिंग करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब फोन में ईयरफोन लगाएं तो आपकी गर्लफ्रेंड का या आपके किसी बेस्ट फ्रेंड का या आपके घर के किसी खास पर्सन का फोन नंबर ऑटोमेटिक लग जाए, तो दोस्तों आप वो भी कर सकते हैं। वो आपको दोस्तों उसी सेटिंग में जाना है, वापस उसी एप्लीकेशन में जाएंगे और सेम टू सेम वही सेटिंग आपको करनी है। तो दोस्तों, फिर कनेक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हेडफोन में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हेडफोन इंसर्ट में क्लिक है, आप इसे फिर ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप एक्शन में जाएंगे और एक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको इस बार एप्लीकेशन में नहीं जाना है क्योंकि आप किसी का नंबर सेलेक्ट करने जा रहे हो। तो दोस्तों, आप यहाँ नीचे जाएंगे,
फोन में। दोस्तों यहाँ फोन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मैक कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक कॉल पे क्लिक करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फोन के जितने भी कॉन्टेक्ट सब ओपन हो गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के किसी पर्सन का नंबर लगे, किसी का भी, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेना। मैं दोस्तों यहाँ से आरती का नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसे दोस्तों यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों इसको फिर ओके कर देते हैं और यहाँ से दोस्तों राइट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ फिर कोई नाम डाल देते हैं और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। अब दोस्तों सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए मैं ईयरफोन लगा के दिखाऊंगी आपको, तो यहाँ ऑटोमेटिक आरती का नंबर लग जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे आरती का नंबर ऑटोमेटिक लग चुका है। तो दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक। दोस्तों उस पर एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों इसी तरह से आप अपने मोबाइल में एक ईयरफोन से कई सारी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, कई सारे काम एक साथ कर सकते हो। दोस्तों इसमें लगभग 80 फीचर्स दिए हुए हैं, आप जितने चाहें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप ऐसी यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।